कृष्णा अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्णा अवतार की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। मथुरा नगरी के राजा थे उग्रसेन था नाम। बड़ा दयालु और धर्मात्मा, करे नेक सबका। पवन रेखा उनकी अर्धांगिनी, पतिव्रता नारी। उग्रसेन को भी लगती थी वो तो बड़ी प्यारी। एक दिन सखियों संग वो तो गई घूमने उपवन में। भूल गई थी रास्ता वो तो बिछड़ गई इस कारण। दुर्गालिक नामक एक राक्षस फिर तो वहां आया। पवन रेखा के साथ मिलन उसने करना चाहा। उग्रसेन अपनी माया से वो बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। उग्रसेन बन पवन रेखा के पास में वो आया। बोला, रूप तुम्हारा है मेरे मन को भाया। काम सताए मुझको देवी, दे दो रति का दान। पवन रेखा तो उसकी असलियत ना पाई पहचान। करके वो मकसद पूरा फिर असली रूप में आया। भला बुरा फिर पवन रेखा ने उसको खूब सुनाया। बोला, देवी भूल को मेरी कर देना तुम माफ। करता हूँ विनती तुमसे, ना देना मुझको श्राप। कहकर तुमको बाझी ताने लोग सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। पुत्र रत्न की कोई न देगा ताना। बड़ा वीर और पराक्रमी बालक कहलाएगा। अपने बल से नौखंडर की जीत दिखाएगा। इतना कहकर धर्मलिक को अंतर ध्यान हुआ। उग्रसेन को भी तो ना इस बात का ज्ञान हुआ। पवन रेखा के गर्भ से फिर तो पुत्र ने जन्म लिया। उग्र
उग्रसेन भी पाकर सुत तो बड़ा ही हर्षित हुआ। भविष्य जानने को उसका पंडित बुलवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। बोले पंडित बालक ये तो बड़ा ही होगा बलवान, अपने शक्ति पे इसको होगा अभिमान। साधु संतों और प्रजा पर करेगा अत्याचार, आएंगे हरि खुद ही निपटने जब बढ़ जाए दुराचार। सच होगी ये भविष्यवाणी जो कि हमने आज, खुद बन जाए राज छीन के उग्रसेन तेरा राज। होकर बड़ा कंस ने फिर तो कर दिया काम वही, राजगद्दी फिर अपने पिता से उसने छीन है ली। अत्याचार फिर तो उसके सब पर बढ़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। चचेरी बहन कंस की नाम देव की था, वासुदेव के साथ विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। कंस छोड़ने अपनी बहन को चला उसकी ससुराल, सुनी है अंबर वाणी उसने आया निकट तेरा का। आठवां पुत्र देव की का तेरा वध करने आए, सोचा कंस ने क्यों ना बहन को मार दिया जाए। वध करने को देवकी काल फिर खींची है तलवार, वासुदेव ने हाथ जोड़ कर विनती करी हजार। कारागार में तेरी कंस हम तो रह जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। संतान तुम्हें सौंप देंगे उसको फिर ले लेना चाहे जान। जैसा कहा था वासुदेव ने फिर वैसा ही किया, सात पुत्रियों का वध कंस ने एक एक कर है दिया। आठवीं वन संतान हरि फिर देव की गर्भ में आए, रूप चतुर्भुज के दर्शन भी उनको दिए कराए। बोले जब मैं जन्मूंगा सो जाए पहरेदार, खुल जाएंगे द्वार सभी जो बंद है कारागार। क्या करना है ये सभी श्री कृष्ण बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
जब जब पाप पढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। जन्म हुआ जब श्री कृष्णा का, सो गए पहरेदार, खुल गई बेड़ी वासुदेव की और सब खुले हैं द्वार। जैसा बताया था कृष्णा ने वैसा उन्होंने किया, लेके टोकरी में वो हरि को बाहर गए हैं। यमुना तट पर जैसे ही है वासुदेव आए, यमुना ने भी श्री कृष्णा के छूने पैर हैं चाहे। देखा उफान तो यमुना का है, वासुदेव घबराए, श्री कृष्णा ने फिर नीचे को अपने पैर बढ़ाए। फिर यमुना को वासुदेव तो पार हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। कृष्णा को छोड़ के कन्या उनकी है लाए, पता चला ना कंस को रात में हुई है क्या घटना। सोचा आठवा पुत्र देवकी ने होगा जन्मा, आठवीं थी संतान उसे फिर मारने है आया। देवकी गोद में कन्या देखी कंस तो चकराया, बोला के तुमको तो आठवा पुत्र था होना, फिर कैसे है देव की तेरे गोद में ये कन्या। कन्या ही जन्मी है वासुदेव बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम। उस कन्या का भी वध करना है चाहा, छुट गई हाथों से वो और कंस को बतलाया। पहुंच गया गोकुल में कंस वो तुम्हें मारने वाला, सुनकर कंस के क्रोध की भी भड़क गई ज्वाला। पूतन नाम की राक्षसी को है कंस ने बुलवाया, लगा के विष अपने अस्तनों में उन्हें है पिलवाया। श्री कृष्णा तो पूतन का फिर पीने दूध लगे, दुग्ध पान करते करते ही प्राण भी खींच लिए। पूतन को भी श्री कृष्णा यमलोक पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करें तुम्हें प्रणाम, हे श्री
कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। फिर त्रिणावत नाम कदानों कंस ने बुलवाया, वंडर रूप उसने श्री कृष्णा को उठाया। साथ बवंडर के ही कृष्णा जी को लिया उड़ा, फिर तो अपना भार है श्री कृष्णा ने बढ़ा लिया। गला दबा कर उस पापी का फिर तो किया संहार, फिर बस सासुर दानों को भेजा को कुल के द्वार। छिड़ा श्री कृष्णा को मारना है चाहा, पूछ पकड़ के श्री कृष्णा ने उसे घुमाया है। फिर तो बकासुर दानों को भी कंस बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जब जब पाप बढ़े धरती पे उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। आया मारने कृष्णा को बनकर वो बगुला, मारने के लिए फिर उसने कृष्णा को है निगला। फाड़ पेट फिर उस बगुले का हरिया गए हैं बाहर, भेजा मारने कंस ने एक दानों था आघासुर। फिर तो आघासुर बनकर अजगर का रूप बनाया, श्री कृष्णा के हाथों लेकिन आ गया उसका का। बाल रूप में श्री कृष्णा है लीला रहे दिखाए, गऊ चराए बन ग्वाला चोरी कर माखन खाए। जाने कितनी गोपियों संग रास रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। करके मैया ने फिर तो मुंह खुलवाया, देखा के इनके मुख में सारा ब्रह्मांड समाया। समझ गई ये माँ यशोदा कोई अवतार है आया, नाग कालिया हरा दिया श्री कृष्णा ने एक पल में। कौन भला शक कर सकता है इनके बाहुबल में, जब पाप बढ़े धरती पर ये आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पे ये आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान, हम करें तुम्हें प्रणाम।
प्रीत लगाई। सच्चे प्रेम की रीत तो सारे जग को है सिखलाई। श्याम जहाँ पर राधा है और राधा जहाँ है श्याम, जब तक चांद सितारे इनका अमर रहेगा ना। एक पल के लिए भी ना छोड़ा एक दूजे का साथ, हो गए एक दूजे के दोनों बिन डोली बारा। निश्चल और निस्वार्थ प्रेम की कर दी पेश मिसाल, जो भी सुनता किससे इनके वो हो जाए निहाल। राधे राधे जो बोले कान्हा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। बन गई है एक सुंदरी, मामा कंस ने फिर तो पागल हाथी है छोड़ा, लेकिन कृष्णा ने पकड़ के उसको है पटका। मल्ल युद्ध करने को फिर तो कंस है आए, मामा कंस को श्री कृष्णा ने दिया यमलोक पठाए। लीला परंपार हरि की कितनी करूं बड़ाई, डीएस पालन फिर भी महिमा श्रद्धा से गाई। फौजी सुरेश से हंस राज रेलहन लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जब जब पाप बढ़े धरती पर उसे मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम। हे श्री कृष्ण भगवान हम करे तुम्हें प्रणाम, हे श्री कृष्ण भगवान।